भारत श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने मैच के दूसरे दिन 574 रन पर पारी घोषित कर दी। इस दौरान भारत को 8 विकेट गंवाने पड़े। वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी श्रीलंका की टीम 4 विकेट गंवाकर सिर्फ 108 रन ही बना सकी। मैच के दूसरे दिन क्या रहा पूरा हाल, कैसे रवींद्र जडेजा ने बदल दिया पूरा मैच, रोहित शर्मा पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर रवींद्र जडेजा और आर अश्विन एक बार बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की। रवींद्र जडेजा ने पहले अपना शतक पूरा किया, वहीं संभल कर बल्लेबाजी कर रहे आर अश्विन ने भी अपना अशतक लगा दिया। हालांकि टीम इंडिया का स्कोर जब 462 रन था उस समय आर अश्विन आउट हो गए। अश्विन ने 82 गेंद खेलकर 61 रन बनाए, लकमल ने उन्हें आउट किया। अश्विन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जयंत यादव कुछ खास नहीं कर पाए, वो सिर्फ 2 रन का ही योगदान दे सके। हालांकि रवींद्र जडेजा ने एक छोर संभाले रखा और पहले 150 रन पूरा किए, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जारी रखा। रवींद्र जडेजा का दूसरे छोर से साथ दिया शमी ने। शमी और जडेजा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि कप्तान रोहित को लगा कि अब टीम इंडिया का स्कोर काफी हो गया और उन्होंने पारी को घोषित कर दिया। उस समय भारत का स्कोर 574 रन पर 8 विकेट था, रवींद्र जडेजा 175 तो वही मोहम्मद शमी 20 रन बनाकर नाबाद थे। हालांकि रवींद्र जडेजा अपने 200 रन से सिर्फ 25 रन दूर थे, इसको लेकर रोहित शर्मा की आलोचना भी हो रही है। फैंस सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर रोहित पारी घोषित करने से पहले जडेजा को थोड़ा समय और दे देते तो अपना दोहरा शतक लगा सकते थे। भारत के पारी घोषित करने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान करुणारत्ने 28 रन बनाकर जडेजा का शिकार हुए। लहिरु थिरमाने 17 रन बनाकर अश्विन का शिकार हुए। वहीं एंजेलो मैथ्यूज को 22 रन के स्कोर पर बुमराह ने पवेलियन भेजा। धनंजय डिसिल्वा को अश्विन ने 1 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। इस तरह दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका का पहली पारी में स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन हो गया है। निशंका 26 रन बनाकर तो वहीं असलंका 1 रन बनाकर नाबाद है। पहली पारी के भारत के रन के हिसाब से श्रीलंका की टीम अभी भी 466 रन पीछे है। तीसरे दिन भारत जल्द से जल्द श्रीलंका की पारी को आउट कर उसे फॉलो ऑन खिलाने की कोशिश कर सकता है। आज के मैच में आपको क्या लगा, क्या कप्तान रोहित शर्मा को थोड़ा और समय जडेजा को देना चाहिए था या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल इनसाइड स्पोर्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।